हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, जो कि दोस्तों वीडियो होने वाली है एक हेलो यो ऐप के ऊपर। दोस्तों अगर आप भी हेलो यो ऐप चलाते हो तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बताऊंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि दोस्तों अगर आप भी जो है हेलो यू की आईडी आप अपने किसी मित्र दोस्त को दे देते हो और वो जो है आईडी आपकी लौटाने में दिक्कत करता है, कुछ परेशानी करता है, तो आप जो है अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा सब कुछ प्रूफ के साथ। देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो बिल्कुल लाइव के साथ। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए ही, और दोस्तों मैं आप लोगों से करूंगा एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी किए हुए ही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि मैं भी चलाता हूँ हेलो यू ऐप, और जो है मेरे पास भी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। देख लीजिएगा हेलो यू पर मैं करूँगा एक बार टच, मैंने कर दिया टच, और जो है इस टाइप से जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा। चलिए मैं करूँगा इसमें जो है अपना पासवर्ड, जो है मैं अपना पासवर्ड इसमें जो है डाल करके इसको ओपन करूँगा। और दोस्तों मैं जो है अपना पासवर्ड डालने के बाद में जो है मैं इसको जो है ब्लर कर दूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं कर दूँगा इसको अपने पासवर्ड डालने के बाद जो है इसको ब्लर, और मैं करता हूँ आईडी ओपन, और देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने जो है दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, मैंने जो है अपनी आईडी ओपन कर ली है। चलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मेरी आईडी का इंटरफेस। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के हुई और बताते हैं कि दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, जैसे कि फ्रेंड्स, फॉलोविंग और फैंस, आप जो है इनके बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है इन सभी के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए जैसा कि माय अकाउंट है, तो माय अकाउंट और जो है यहाँ पर लिखा है माय अचीवमेंट और माय गिफ्ट, ऐसे ही जो है ये ऑप्शंस सब इस टाइप के दे रखे हैं। तो चलिएगा मैं बिना कुछ देरी के हुए ही मैं आपको ले सकता हूँ आप अपने मेन पॉइंट पे। जैसा कि ये लिख रखा है सेटिंग्स, तो दोस्तों मैं चाहूँगा सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर मैं एक बार टच करूँगा। जैसा कि मैंने इस प्रकार से सेटिंग्स पर एक बार टच कर दिया है, और जो है यहाँ नोटिफिकेशन सेटिंग्स ओपन है, यहाँ नोटिफिकेशन सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर जो है एक बार चलिए आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है इस प्रकार का है, नोटिफिकेशंस देखिए आप इसको अलाउ रखेंगे तो जो है आपको ये जो है वीडियो कॉल नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। अगर जो है आप इसको जो है यहाँ से ऑफ रखेंगे इस टाइप से, यहाँ से अब आपको कोई भी वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन सो नहीं होगा। और जो है आप जो है यहाँ से इन दोनों को ऑन रखेंगे तो आपको जो है आपका कोई भी मित्र आपको जो है वीडियो कॉलिंग करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं तो इन दोनों को रखूँगा ऑन, ताकि मुझे जो है इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए करते हैं इसको बैक और दिखाते हैं नीचे की, जैसे कि इसमें दे रखा है इसके नीचे वाला ऑप्शन प्राइवेसी सेटिंग्स। चलिए प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। जैसा कि यहाँ लिख रखा है अलाउ द यूज़र फ्रॉम द रीज़न टू फॉलो मी, तो जैसे कि अगर दोस्तों आपको जो है कोई भी फॉलो करेगा तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसके नीचे लिख रखा है अलाउ द यूज़र फ्रॉम द रीज़न टू सेंड माई फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे कि आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपको जो है प्राप्त नहीं होगी, तो इसको जो है ऑन रहने दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमको किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। चलिए नीचे वाले ऑप्शन पर आते हैं अलाउ द यूज़र फ्रॉम द रीज़न टू एंटर माई रूम, जैसे कि आपके रूम में कोई भी न्यू पर्सन या कोई आपका फ्रेंड जो भी कोई आएगा तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इनके बारे में सब कुछ दिया है। चलिए इसको करते हैं बैक और बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ लिखा है ये देख लीजिएगा आप, जैसे कि ये लिखा है चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड पर एक बार आप क्लिक करिएगा
और चेंज पासवर्ड पर जैसे कि यहाँ दिखा रखा है इस टाइप से। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपना पासवर्ड टाइप करके और चेंज करके दिखाऊंगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर ये लिख रखा है, मैं अपना जो है पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दूंगा। जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है और जो है मैं यहाँ पे अपना जो है नया पासवर्ड सेट कर दूंगा नीचे। चलिए मैंने इस टाइप से जो है अपना नया पासवर्ड, पुराना पासवर्ड ऊपर टाइप कर दिया और नया पासवर्ड नीचे टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैंने ओके पर क्लिक कर दिया तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो है मैसेज आया। देखिएगा मैं आप लोगों को एक बार और फिर दिखाना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर सेट सेट पासवर्ड फेल्ड, यानी कि यहाँ पर अब जो है पहले जो है मैसेज आ चुका है कि हाँ आपका पासवर्ड जो है चेंज हो गया। तो जो है आपके पास भी ऐसा मैसेज आ जाएगा और जो है आपका पासवर्ड तुरंत जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही।